महवे राज होती है, अल्लाह से बेनियाज होती है, जब सजदे में जाती है उस बेनियाज से रास्ता करती है, तो अल्लाह कहता है जिब्रील जल्दी जा, इज़राइल मीकाईल जल्दी जा। ये जितने चक्की चला रहे हैं, झूला झूला रहे हैं, सब अलैहिस्सलाम मालिकों के दर पर नौकरी करने वाले अलैहिस्सलाम। लेकिन कम अकल ज़हनी बीमार कहता है अहले बैत रज़ी अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा तेरे दिमाग पर, तेरी आंखों पर तासुब की पट्टियां बनी हुई है गुलाम अलैहिस्सलाम, मालिक रज़ी अल्लाह। मैंने आया बड़ा लानत अल्लाह। भाई चक्की चलाना किसका काम है? सामईन मोहतरम, अब जिब्रील अलैहिस्सलाम दरवाजे पर दस्तक देते हैं, फातिमा बिनते मोहम्मद सैयदाए कायनात का मकाम ऐसा मकाम है जैसे पूरे कुरान में कौसर एक है, कायनात में सैयदाए कायनात। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से अगर किसी की रूह कब्ज करी है वो जनाबे सैयदाए कायनात। और औरत के मकाम के तीन जाविये होते हैं, पहली वो बेटी किसकी है। अगर औरत के मकाम का जाविया समझना हो, पहला ये है कि बेटी किसकी है। जब निकाह मनाती है पता चलता है कि वो बीवी किसकी है। तीसरा दाविया वो माँ किसकी है। और आप जानते हैं बेटी बाप की यहाँ पैदा हो, बाप की यहाँ आए तो बाप के लिए रहमत, शौहर के लिए आए, शौहर के निकाह में आए तो नफ्से ईमान। जब माँ बने तो बच्चों की जन्नत। नहीं समझे आप, मकामे सैयदा ये है, बेटी बाप के लिए रहमत होती है, सैयदा उसके लिए रहमत है जो खुद सारे आलम के लिए रहमत है। सैयदाए कायनात उसके लिए नस्ले ईमान है जो अली खुद कुल्ले ईमान है। सैयदाए कायनात किसकी जन्नत है जो हसन हुसैन को जमाना ने जन्नत के सब। सामान्य मोहतरम, बाप के लिए रहमत, शौहर के लिए नफ्से।